आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इवैल्यूएशन के विषय में पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एमए के विद्यार्थी हों चाहे बीएड के स्टूडेंट हो, सभी के लिए लाभप्रद है। तो इवैल्यूएशन को आप बीएड के स्टूडेंट, कोई भी उनके जो टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो साइंस है, फिजिकल साइंस है या सोशल स्टडी है, सभी में इवैल्यूएशन आता है। तो मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इवैल्यूएशन के विषय में। इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट अर्थात मापन। तो मूल्यांकन को जानने से पहले मापन को जानना बहुत आवश्यक है। मूल्यांकन एक बृहद टॉपिक है। मूल्यांकन के अंदर ही मेजरमेंट आता है, मेजरमेंट अर्थात मापन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मेजर करना, मापना। तो मेजरमेंट इज फाइंडिंग ए नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। तो मापन क्या है? मापन कोई नंबर है जो किसी का साइज या मात्रा को क्या है, प्रदर्शित करता है। अर्थात जब हम किसी भी व्यक्ति के गुणों को जब हम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट, जैसे हम किसी व्यक्ति की हाइट को माप रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसकी हाइट क्या है, 5 फुट है या 4 फुट है। तो क्या हमने संख्यात्मक रूप से हमने उसको प्रदर्शित किया, तो जिसे क्या कहते हैं हम, मेजरमेंट या मापन कहते हैं। उसके बाद आता है इवेल्यूएशन। अब इवेल्यूएशन क्या है? इवेल्यूएशन इज ए ब्रॉडर टर्म देन द मेजरमेंट। इवेल्यूएशन क्या है? मापन से एक बहुत ही बड़ा व्यापक टर्म है। इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेयर इंक्लूसिव देन द टर्म मेजरमेंट। ये मेजरमेंट से व्यापक पद माना जाता है। इट गोज अहेड ऑफ मेजरमेंट विच सिंपली इंडिकेट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या करता है? लेकिन अब कुछ आस्पेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या है, संख्यात्मक रूप से ही नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुछ गुण ऐसे भी होते हैं व्यक्ति को जिनको हम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट गिव्स द वैल्यू जजमेंट टू द न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल क्वालिटी। तो मूल्यांकन या इवेल्यूशन क्या होता है? मूल्यांकन एक ऐसा टर्म है जब हम किसी व्यक्ति के वो क्या करते हैं, जज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जज करना अर्थात जैसे हमने साल भर किसी स्टूडेंट ने अपने पूरे कोर्स को पढ़ा और हम लास्ट में उसका एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद वो जो भी मार्क्स गेन करता है तो हम उस समय ये नहीं देखते हैं कि उसने किस तरीके से पढ़ाई करी या क्या उसको परेशानियाँ हुई। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, जो भी हमारा क्राइटेरिया है। अगर हम कहते हैं कि 60% में बच्चे की फर्स्ट डिवीजन है, अगर बच्चा 55% गेन कर रहा है तो हम कहते हैं उसकी सेकंड डिवीजन है, हमने निर्णय दे दिया, ठीक है। या हम कहते हैं कि बच्चा 33% मार्क्स में क्या है, उत्तीर्ण है, पास है, और 33% से कम अगर उसके आते हैं तो वो क्या है, फेल है। तो हम रिजल्ट दे देते हैं कि बच्चा पास है या फेल है। तो वैल्यू, और इसमें क्या है, हम बच्चे के सभी टेंजिबल तथा इनटेंजिबल, मूर्त अमूर्त जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितने भी गुण हैं, उन सभी को क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन आप सभी के समझ में आ गया होगा कि इवैल्यूएशन क्या होता है। तो मूल्यांकन जजमेंटल है, ठीक है, जिसके द्वारा हम कोई भी निर्णय पर पहुंचते हैं वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अब उसके बाद हम जानेंगे मूल्यांकन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत क्या है। तो मूल्यांकन का जो सिद्धांत है उनमें पहला है, इट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट की किस चीज़ को, किस गुण का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरा है, अ वैरायटी ऑफ इवेल्यूशन टेक्निक शुड बी यूज्ड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। इवेल्यूशन की जो टेक्निक होती है वो बहुत सारी टेक्निक हैं, तो हमको ये जो भी हम इवेल्यूएट कर रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। एन इवेल्यूएटर शुड नो द लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट इवेल्यूएशन टेक्निक। और जो भी मूल्यांकन करता है उसे सभी, कोई भी जिस टेक्निक का वो यूज कर रहा है उसकी लिमिटेशंस का पता होना आवश्यक है। द टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द करेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस टू बी मेजर। तो जिस भी टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं तो जिस भी हम उसकी जो क्वालिटी को मेजर करने के लिए जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो वो उसके अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, अर्थात उस क्षमता को नापने के लिए उपयुक्त होना जरूरी है। इवैल्यूएशन इज मींस टू एन एंड बट नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अर्थात
इवोल्यूशन मूल्यांकन अंत में होता है लेकिन ये अंतिम नहीं होता है। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस क्या है, इवोल्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस के अंतर्गत हम कार्य जो जो भी इवोल्यूशन का पहला फंक्शन है वो पढ़ेंगे। इवोल्यूशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इवोल्यूशन क्या है, हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनको बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इवोल्यूशन प्रोसेस हेल्प्स इन असेसिंग द लर्नर्स नीड। इवोल्यूशन की जो विधि होती है उससे हम क्या जानते हैं, लर्नर की क्या आवश्यकताएं हैं उसको समझने में हमें क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। इवोल्यूशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट। इवोल्यूशन के द्वारा हम क्या है, किसी भी स्टूडेंट से क्या ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। मूल्यांकन के आधार पर हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं अर्थात पाठ्यचर्या में विकास करते हैं। जिस आधार पर करिकुलम आया हम ये समझते हैं कि किस तरीके का मूल्यांकन के आधार पर हम ये सोचते हैं कि पाठ्यचर्या का विकास किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या उसके अंतर्गत आना चाहिए। इवोल्यूशन हेल्प्स इन रिपोर्टिंग पीपल्स प्रोग्रेस टू पेरेंट्स। अब इवोल्यूशन क्या है, जो हम जब हम साल भर बच्चे के एग्जाम लेते हैं उसके बाद एक रिजल्ट तैयार करते हैं तो उससे क्या है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी प्रोग्रेस को जानते हैं। इवोल्यूशन डाटा आर वेरी मच यूजफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी इवोल्यूशन डाटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या उसके बाद हम उसको गाइड कर सकते हैं उसके मार्क्स के बेस पर कि आपको आगे को क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो इस प्रकार इवोल्यूशन क्या है, गाइडेंस और निर्देशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इवोल्यूशन हेल्प्स इन इफेक्टिव स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कूल का जो प्रशासन है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है, तो वो इवोल्यूशन के आधार पर तय करता है कि हमें प्रशासन में किस तरीके से स्कूल के लिए इफेक्टिव हो सकता है, क्या प्रभावकारी हमने इसमें चेंजेस करने चाहिए या क्या चीज जो है जिससे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हम क्या है, इवोल्यूशन के आधार पर दे सकते हैं। तो मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये क्या होता है, ये जब हम किसी भी कोर्स को करते हैं तो उसके अंत में हम जो मूल्यांकन करते हैं तो उसके आधार पर हम बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानते हैं, उसको हम गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही व्यापक क्रम है जिसके अंतर्गत हम मेजरमेंट को भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।